दोस्तों अगर आप भी घर बैठे इस तरह से 1 लाख तक की क्रेडिट लिमिट लेना चाहते हैं और वो भी पूरे 36 महीनों के लिए, ये हमारे सब्सक्राइबर का एक स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपको जिस लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं, यहां पे आप एक क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, लोन अमाउंट को आप खुद से यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, टर्न टाइम को भी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि 4.1 की रेटिंग के साथ ये काम कर रही है, 1 मिलियन पर डाउनलोड है और ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे आपको ये लिमिट दे दी जाती है। मैक्सिमम आप 5 लाख तक की लिमिट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बहुत ही अच्छी ऐप है, कौन सी ऐप है, नई ऐप है, क्या है, सब कुछ क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। कोई पुरानी ऐप रिपीट नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर इस लोन ऐप से आप लिमिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको 1 लाख की लिमिट मिली तो आपको 1 लाख अपने खर्च करने ही पड़ेंगे, नहीं। अगर आपको 10,000 की जरूरत है ना तो 10,000 रुपए आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लोन ले सकते हैं और उसको EMI में कन्वर्ट करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है और यहाँ पे आपने बिल वगैरह भी भर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, पानी का हो गया, और भी जो बिल्स होते हैं ना वो पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल यानी कि मौजूद मिल जाते हैं। अभी कौन सी ऐप है, चलिए डिटेल से आपको प्रोवाइड करूंगा सारी जानकारी। तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर @0 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हर बात मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं। चलिए मैं सीधे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लिंक चलूंगा और बताता हूं ये कौन सी न्यू ऐप है जहां पे आपको 1 लाख तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फ्रियो पे सेव बोरो। ये ऐप है तो पुरानी लेकिन इसने बीच में थोड़ा काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी फिर से काम करिए। हमारे सब्सक्राइबर को 2 दिन पहले 1 लाख की यहां पे क्रेडिट लिमिट मिली है। आपको दिखा दूं, अगर इसके डाउनलोड और रेटिंग की बात करते हैं तो डाउनलोड्स भी अच्छे हैं, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, रेटिंग भी 4.1 की है। कुछ इस तरह से ये अंदर दिखती है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप UPI भी क्रिएट कर सकते हो, UPI से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, स्कैन पे कर सकते हो, मतलब QR कोड की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे RD FD सेविंग अकाउंट वगैरह आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 1 लाख की लिमिट है, इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं अगर इसको अबाउट ऐप में जाकर दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको आना है, नीचे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मिनिमम 3,000 मैक्सिमम 5 लाख तक की आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो 12% 36% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। APR 10 से 70% है। EMI यानी टर्न टाइम की बात करें, मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 36 महीने का यहाँ पे आपको टर्न टाइम मिल जाता है। लो प्रोसेसिंग फी, लाइन सेटअप फीस है, बहुत ही कम फीस यहाँ पे लग रही है। नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, उससे और क्लियर करते हैं कि भाई लोन लेना यानी क्रेडिट लाइन लेना सही रहेगा या गलत रहेगा। 1 लाख का लोन अगर आप लेते हैं 1 साल के लिए तो 13% पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लें, 2% यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका 2% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2,000 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, साथ में 18% की GST और लगेगी। ये तो हर लोन ऐप पे है भाई, जो भी प्रोसेसिंग फीस है उसके साथ 18% की GST और जोड़ दी जाती है, तो 2,360 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस के हो गए। लाइन सेटअप फी यहाँ पे और लग रही है, पता नहीं कौन सी फीस है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे सामने आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, 999 रुपए की ये लाइन सेटअप फी लग रही है और साथ में GST और देनी पड़ेगी। 1,181 रुपए आपके ये हो गए, ये आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो 2,300 रुपए ये हो गए मोटा मोटा, और 1,000 रुपए ये मांग चलिए तो करीब आप मान के चलिए 3,500 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे जो है पैसा कट जाएगा जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है ना। तो 3,500 रुपए कट कर लीजिए तो 97,000 या 96,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट की बात कर ले, 7,181 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 साल के हिसाब से जो इंटरेस्ट लग रहा है बहुत ही सही लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे EMI जो है 8,932 रुपए की EMI बन जाएगी। अब मोटा मोटा जोड़ लेते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑफ सेटअप फी है, प्रोसेसिंग फीस है, करीब 3,500 रुपए इसके बैठ रहे थे और 7,000 रुपए इसके मान लो लगभग 10,500-11,000 रुपए आपको 1 साल का कॉस्ट लगेगा, वही निकल के आ रहा है 1,10,725 रुपए का। मतलब कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम कॉस्ट लग रही है, इजिली है, ले सकते हैं। और नीचे आप लैंडिंग पार्टनर देख सकते हैं कि इन लैंडिंग पार्टनर की तरफ से आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करा जाएगा। MFG ये जो भी है भैया, फिर इनक्रेड है, किस्ती है, चोला मंडला में ट्रांजेक्ट्री है, और ये दी हुआ है इनका मेल आईडी भी दी हुई, इनकी सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि भैया अगर आप 1 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो इतना आपको इंटरेस्ट लगेगा, 1 लाख से ऊपर ले रहे हैं, 5 लाख से ऊपर ले रहे हैं, तो हम सबको खत्म करते हैं। मैक्सिमम 1 लाख तक का तो आपको यहाँ पे लिमिट मिली जाएगी, 3.5% तक का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा पर एनम के हिसाब से। अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में ले रहे हैं तो आपको 5% का पर एनम का ब्याज लगेगा। और फिर नीचे दिया है 5 लाख से 25 करोड़, भाई देखो इतना तो खैर औकात नहीं है,
कि हमें आप ले पाए। हाँ, मैक्सिमम 1 लाख तक की तो मान सकते हैं, तो पहली लाइन को हम पढ़ के चलना है, बाकी आप उसमें आप खुद देख सकते हैं। मेल आईडी भी दी है और इनका यहाँ पे वेबसाइट भी दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे आएंगे तो उसका लास्ट जो अपडेट है वो 30 अप्रैल 2024 का। देखिए अपडेट जरूर देखा करें, अपडेट से क्लियर होता है कि हाँ ऐप वर्किंग में है। इसका भी लास्ट अपडेट 30 अप्रैल को हुआ है, हाल ही में हुआ है, अभी अप्रैल गुजरी है, मुश्किल से 10-12 दिन नहीं हुए हैं, फिर अगला अपडेट 2 महीने शुरू हो जाएगा। तो जो ऐप अपडेट होती रहती है समझ लो कि वो अच्छे से काम कर रही है, और जो ऐप अपडेट ही नहीं हो रही है, 1 साल हो गया समझ लो कि वर्किंग नहीं कर रही है, वो सिर्फ ओपन है, खुली है, काम नहीं कर रही है। और ये 2021 में रिलीज की गई फरवरी में। अब दोस्तों एक बार मैं ऐप को ओपन करके दिखा देता हूं, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। अब दोस्तों कि मुझे यहां पे तो लोन नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे एरिया में शायद इसकी सर्विस नहीं है। अब देखिए देख सकते हैं कि गेट मनी योर अकाउंट, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन की स्टार्टिंग हो रही है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इंडियन लैंड की तरफ से लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 500 रुपए दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट अप टू 5 लाख, ठीक है ना। यहाँ पे 5 लाख तक का लोन वगैरह या क्रेडिट लिमिट जो है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरी केवाईसी इनकम्प्लीट है। देखिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो केवाईसी का इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं कहूंगा यहीं से लो। एक मेरे को कुछ नया दिखा, मैंने आपको बता दिया। फ्री ऑफ पैसे आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, लिमिट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं, मेजर सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे जल्दी यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये एरिया पिन कोड को डिपेंड करता है कि इनकी सर्विस कहाँ अवेलेबल है, और जहां मैं रहता हूँ वो एरिया ऐसा है कि जहां पे मुश्किल से 2 लाख की आबादी है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो खैर मुझे उम्मीद है परिवार समझ गए होंगे, अगर यहाँ से आपको लोन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसको हम खत्म करते हैं। मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट कर दे रहा हूँ, टू बैलेंस, जहां पे आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे 15,000 का, और नावी से भी आधार कार्ड पैन कार्ड पे 25,000 का लोन 9 महीने के लिए मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दोनों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, बहुत ही इजीली आपको लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूं, मैं फिर से कोई नई ऐप लेके आऊंगा, कोई ऐसी है जिससे आपको इजीली लोन मिल सके, और आपको जरूर बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।